यार जब भी प्रोग्रामिंग सीखता था सी में सबसे पहले हेलो का प्रोग्राम लिखाते थे, फिर आती थी बात सी प्लस प्लस की, तब भी बोलते थे यार पहला हेलो प्रिंट करो। जहां देखो हेलो का प्रोग्राम हेलो करने आ जाता था। पर मैं कुछ सीख नहीं पाता था, मैं सिर्फ सीखता था कैसे सी में इस्तेमाल करना है प्रिंट एफ स्कैनएफ और सी प्लस प्लस में कैसे मुझे इस्तेमाल करना है सी आउट और सी इन, यही तो सीखता था। तो मैं क्या अपने लॉजिक्स को इंप्रूव कर पाया? हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने वक्त क्या ध्यान रखना है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना तो एक्चुअली छोड़ देना है, आपको सीखना कुछ और है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, यही होता है, एक होता है लॉजिक, एक होता है एल्गोरिदम और एक होता है सिंटेक्स। तो इन तीनों की बातें की जाएंगी आज यहां पर। तो आप देखें कि यार सिंटेक्स क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है। देखिए कोई भी काम करना है उसका एक रीजनिंग तरीका है, एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। फॉर्मल डिस्क्रिप्शन में आप रीजनिंग दोगे किसी काम को करने की, वो एक लॉजिक होगा। और उस एम को पहुंचने के लिए जो स्टेप स्टेप आप तरीका अपनाओगे जिससे कि वहां तक उस गोल तक पहुंच पाओगे, वो आपका एल्गोरिदम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई रेसिपी बनानी है, मतलब कुछ बनाना है, खिचड़ी बनानी है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे, कैसे उसको कितनी देर तक मुझे कुक करना है, वो आपका एक तरह का क्या होगा, एल्गोरिदम। लेकिन क्या आपको बनाना है, क्या कुक करना है, वो आपका लॉजिक होगा। तो दोस्तों जब भी आप प्रोग्रामिंग सीखोगे, अब ध्यान रखना है आपको, आपको कंसंट्रेट करना है सिर्फ लॉजिक्स पे और एल्गोरिदम पे, ना कि सिंटेक्स पे। क्योंकि सिंटेक्स क्या होती है, सिंटेक्स इज अ ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भाषा का व्याकरण होती है सिंटेक्स। वो आपको सिर्फ ये सिखाती है कि यार कोई चीज आपको लिखनी कैसे। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, इंग्लिश में सिंटेक्स कैसी होती है, आपके पास पता है कि कहां पे आपको सेमी कॉलन लगाना है, कहां पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहां पे आपको कोट्स यूज करने हैं, कहां पे तरह तरह के एक्सप्लेनेशन साइन लगाने हैं, मार्क लगाने हैं, ताकि लोगों को समझ में आए फीलिंग आपकी, वो इंग्लिश होता है। हिंदी में क्या व्याकरण होती है, कहां पूर्ण विराम होगा, कहां पे आपका शिरोरेखा होगी, कहां पे हलंत होंगे, वो हिंदी होगी, वैसे ही संस्कृत होगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यही होता है। इसलिए आपको जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, आप भूल जाते हो कि आपको लॉजिक सीखना है, सिंटेक्स नहीं सीखनी है। पर हम हमेशा सिंटेक्स पे पड़ जाते हैं और बोलते हैं यार हमें तो जावा नहीं आती। पर आप भूल जाते हैं कि दो और दो चार ही होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आपको मैं बोलूं कि यार इंटरव्यू चल रहा है आपको, आपको बोलूं कि यार चलो ना एक प्रोग्राम लिखो दो दूसरे दो नंबरों को जोड़ने का, तो आप क्या करोगे? आपके पास सबसे पहले सवाल आएगा कि दो नंबरों को जोड़ते कैसे हैं, मतलब उसका लॉजिक क्या है, और स्टेप बाय स्टेप फिर मुझे क्या करना है उस गोल तक पहुंचने के लिए, क्या बनाना है प्रोग्राम। तो आपको लॉजिक सोचना होगा। आप सोचोगे मेरे पास दो नंबर होना चाहिए, पहला नंबर कहीं स्टोर करूंगा मैं, मतलब मैंने एक्स इज इक्वल टू वन लिखा है तो मैथ्स का मेरा एक स्टेटमेंट हुआ, लेकिन इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, सोचूंगा कैसे, वन इज असाइन टू एक्स, वैसे फिर लिखता हूं मैं वाई इज इक्वल टू टू, वही मतलब है उसका भी, टू इज असाइन टू वाई। पर इन दोनों को जोड़ने के लिए मुझे किस तरह के ऑपरेटर लगने वाले हैं, वो एडिशन ऑपरेटर यूज करूंगा। तो यहां पे मुझे समझ में आएगा कि यार अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कैसे करना है। फिर मैं लिखूंगा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब जो रिजल्ट एक्स प्लस वाई का आएगा वो जेड में असाइन हो जाएगा। हर जगह यही प्रोग्राम लिखते हैं भाई, पर आपको अजीब लगेगी बात कि अगर ये तीन स्टेटमेंट आप लिख दोगे, मतलब आपका एल्गोरिदम लॉजिक लगाकर आप ये लिखोगे किसी भी आईडीई में, पाइथन के अंदर, आर के अंदर, मैटलैब के अंदर, तो ये प्रोग्राम बन जाएगा आर पाइथन मैटलैब का। वैसे भी आप जानते हो आजकल दिन ब दिन नए नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ रहे हैं जो एआई एनेबल हैं, और मैंने बताया है ऐसे बहुत सारे, डेविन बताया है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑटो डेव बनाया है, ओपन डेविन बताया है और डेवी का बताइए, तीनों सब लोग काम करने लग गए हैं। और वो भी क्या करते हैं, ढूंढते हैं इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन सेट और उसको उठाकर आपको यहां पर लगा देते हैं, मतलब वो बेसिकली सर्च करते हैं और अपना उपाय करके, उनके साथ तरह तरह के एलएलएम लगे हुए हैं, तरह तरह के उनके पास एपीआई उनका इस्तेमाल करते हैं। पर हमें एज ए इंजीनियर ये ध्यान रखना है कि हमें लॉजिक स्ट्रांग करने हैं, हमको एल्गोरिदम पे अपनी कमांड करनी है। तो यही समरी आज की वीडियो की, हमें सिंटेक्स को देखना है पर सिंटेक्स को नीचे रखना है। वैसे भी आजकल सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेस सिंटेक्स बेस्ड आ रही है मेरे फ्रेंड्स। अगर आपको ये मोटिवेटिंग लगा होगा वीडियो, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि अमित यार आपके जो वीडियोस होते हैं उसमें आप सच्चाई तो बता देते हो लेकिन कई इंसान एकदम से डर जाता है। डरना नहीं है, पूरा वीडियो देखने बाद आपको समझ में आ गया होगा कि यार आप अगर लॉजिक स्ट्रांग करोगे, अपने एल्गोरिदम पे काबू करोगे और उसमें अपने आप को एक्सपर्ट बनाओगे, तो फिर कोई नहीं हरा सकता आपको, क्योंकि आपके एल्गोरिदम और लॉजिक ही बेसिकली काम करने वाले हैं इस इंडस्ट्री में। भले ही आप एआई में चले जाओ, एमएल में चले जाओ, डेटा साइंस में चले जाओ, डेटा एनालिटिक्स में चले जाओ, या किसी और डोमेन में जहां वेब डेवलपमेंट करना हो,
डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी हो, इवन आप LLM की जैसे कुछ मॉडल बनाना चाहते हो, वहां भी आपके लॉजिक्स और एल्गोरिदम ही काम करने वाले हैं। वो तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनने का बात होती है कि कौन सी चुननी है, उसके सिंटैक्स समझ लो, उसकी ग्रामर क्या है, उस ग्रामर के हिसाब से अपने लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लो। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें टेक स्टोरीज को।